हेलो फ्रेंड्स, मैं बोलूँ दास और आप लोग देख रहे हैं राम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ये हमारे पास माइक्रोटिक इन्वर्टर है जो कि आपका V7 है। तो इसमें मॉडल में तो इसमें हमारा मेंस काम नहीं कर रहा था दोस्तों। तो इसमें हमने किस तरह से मेंस को सही किया और कहां पर किस तरह का वोल्ट आना चाहिए मेंस में आपको दिखा देता हूँ सबसे पहले। तो दोस्तों यहाँ पर अभी यहाँ पर मेन में देते ही यहाँ पर मेंस आ जाता है, देख सकते हैं ये मेंस आ चुका है और आपको देते हैं ये इन्वर्टर पर चालू हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रॉब्लम था हमारा इसके समय ये मेन आईसी जो है ये SMD ख़राब था दोस्तों। SMD किस तरह से ख़राब था, तो ये वाला SMD है मेरे पास, जो ये वाला SMD जो है ये ख़राब था। तो आप कहेंगे SMD तो जल्दी ख़राब नहीं होता है, तो SMD ख़राब नहीं होता है दोस्तों, मुझे भी पता है। लेकिन इसमें किस तरह से SMD ख़राब, जो ये 4 नंबर पिन है ये आपका मेंस चेंजिंग का पॉइंट है, जो कि 1.5 के करीब यहाँ पर सप्लाई ऐसी सप्लाई आते ही ये मेंस पे चला जाता है सिग्नल। तो ये 1, 2, 3 जो कि इसका दोस्तों 4 नंबर पिन पे हमारा ये मेन चेंजिंग होता है। जैसे 4 नंबर पिन पे हमारा ऑटोमेटिक, जैसे हम इसको IC को रिमूव करके देखा, मतलब एक पिन को उठा के हमने चेक किया, तो DC पे ही यहाँ पर 4 वोल्ट आता रहता था। मतलब ये IC जो है, जैसे हम पिन को उठा के देखा, सारा पिन लगा हुआ है, सिर्फ हमने 4 पिन को उठा के चेक किया तो इसी पर भी 4 वोल्ट जो है वो आ रहा था। तो इसके कारण हमारा जो मेन से वो काम नहीं कर रहा था, तो हमने IC बदल दिया है। IC बदलने के बाद हमारा ये सेट सही हो चुका है। आपका भी अगर इसी तरह का फॉल्ट आता है तो जरूर से IC को जरूर से चेक करें और आगे मैं आपको दिखा देता हूँ यह कहाँ पर कितना वोल्ट आना चाहिए दोस्तों। तो आपका अगर मेंस काम नहीं करता है तो सबसे पहले आपका इसका जो सप्लाई है, मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ एरिया, जो कि यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिख रहा है 100 के। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है इस पर आपको जोर से चेक कर लेना है, ये दोनों रेजिस्टेंस अगर ख़राब हो तो सबसे पहले यहाँ पर सप्लाई आना चाहिए इस पर, इन दोनों पर फ्रेज न्यूट्रल आना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर भी आपको चेक कर लेना है रेजिस्टेंस सही है कि नहीं। अगर रेजिस्टेंस सही है तो इसको से चेक करिए, इसको इसमें से ऐसी सप्लाई निकलेगा जो कि आपका यहाँ पर मिलेगा डायोड पे, इन डायोड को। उसके बाद में आपको यहाँ से जाएगा सप्लाई, ये जो सप्लाई है हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ से यहाँ पर सीधा ये से रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पर इधर से आएगा ये, यहाँ से सीधा यहाँ पर जाएगा, यहाँ से सीधा आपका 4 नंबर पिन पे चला जाएगा, यहाँ पर सीधा आ जाएगा। तो इसके आगे क्या क्या है, ये रेजिस्टेंस है, उसके बाद में आपको यहाँ से देखेंगे तो ये वाला रेजिस्टेंस है, उसके बाद भी यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर और एक रेजिस्टेंस होता है जो मैंने ओपन करके रखा फिलहाल, और ये ब्रिज डायोड है और सामने ये दोनों रेजिस्टेंस है, यही है और यहाँ पर कुछ है नहीं। तो अब मैं इसमें मेंस देता हूँ तो आपको मैं सप्लाई दिखाता हूँ कितना वोल्ट कहाँ पर आता है। जैसे हमने यहाँ पर देख रहा हूँ तो 2 वोल्ट करीब यहाँ पर मिलता है, देख सकते हैं 1 पॉइंट, तो अप एंड डाउन हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो यहाँ पर आपका बराबर 1.3 जो कि सप्लाई है वो मिल रहा है, उसके आगे भी 1.3 होगा। तो इस पर ये 4 नंबर पिन पे IC का यहाँ पर भी सेम वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा है तो आपको कहीं ना कहीं दिक्कत होगा, तो आपको चेक करना है। तो हमारे इसके समय कोई कंपोनेंट यहाँ पर ख़राब नहीं था, सीधा मेन IC के ही हमारा इसमें फॉल्ट था, तो मेन IC को बदल देने के बाद ये सही हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज को वीडियो पसंद आते हुए जरूर से लाइक शेयर कमेंट करें।